उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर आ रही है समायोजन को लेकर। परिषदीय विद्यालयों में समायोजन किया जाएगा शिक्षकों का। तो आपको बताना चाहेंगे, अभी परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा मित्र और अनुदेशक हैं कार्यरत। क्या अब शिक्षा मित्र अनुदेशकों को समायोजित किया जाएगा? ऐसी तैयारी की जा रही सरकार द्वारा, जानिए साथियों इस वीडियो में। जी साथियों, हम दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से क्या काम माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी ने, किसका समायोजन होगा और सरकार समायोजन की तैयारी में पूरी तरीके से काम कर रही है और जल्द समायोजन किया जाएगा। पत्रकार ने एक सवाल किया था कि सर नई शिक्षा भर्ती बेसिक शिक्षा विभाग में कब होगी, तो उन्होंने कहा पहले हम समायोजन कर लें शिक्षकों का, उसके बाद नई शिक्षक भर्ती होगी। तो समायोजन किसका किया जाएगा, क्या अनुदेशक और शिक्षा मित्र अब समायोजित होंगे, ये एक बड़ा समाचार आ रहा है। आप स्वयं सुनिए क्या कहा हमारे माननीय श्री संदीप सिंह बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने इस वीडियो के माध्यम से, देखिए क्या कह रहे हैं। तो साथियों देखा, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हम लगातार काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर विचार कर रहे हैं कि पहले हम शिक्षकों का समायोजन कर लें, उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी, यानी छात्र शिक्षक अनुपात में अगर ज़रूरत पड़ेगी तब हम नई शिक्षक भर्ती करेंगे। इसके बारे में उन्होंने साफ साफ कहा है इस वीडियो के माध्यम से। आपको बताना चाहेंगे, महानिदेशक बेसिक शिक्षा ने भी कहा था कि हम आ गए हैं, सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी धीरे धीरे और जितने भी पेंडिंग केस पड़े हुए हैं उनका समाधान किया जाएगा, कोर्ट में जो भी केस पड़े हुए हैं। तो साथियों आप सभी से अनुरोध है कि धैर्य बनाए रखें, समस्त अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के दिन बहुरेंगे, ऐसे में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सरकार समायोजन की तैयारी में है, अब देखते हैं कि समायोजन कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा। सरकार पूरी तरीके से युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है कि ये जो समस्याएं चली आ रही लंबे समय से समायोजन को लेकर, उनको पूर्ण किया जाए, क्योंकि नई शिक्षा नीति भी लागू हो चुकी है, उनको भी इसके लिए जवाब देना पड़ेगा। तो ये थी खास खबर, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोविड नियमों का पालन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।